ये जो बिल्डिंग है सामने नौबत खाना या नकार खाना है, नौबत खाना है नकार खाना ड्रम हाउस था बेसिकली। और ये जो मुगलों के टाइम पे जब यहाँ मुगल्स राजा यहाँ पर रहा करते थे तो म्यूजिक बजा के लोग इंटीमेट करते थे। तो म्यूजिक एक्चुअली में म्यूजिक बजाने का तरीका अलग अलग होता था हर टाइम पे। जब कभी जैसे कि नमाज का टाइम है तो दिन में 5 बार नगाड़े और शहनाई बजती थी यहाँ से, इसलिए इसका नाम नौबत, नौबत ट्रम्पेट नकार मीन्स नगाड़े। तो नगाड़े नगाड़े और शहनाई यहाँ से बजती थी, ये पूरा खुला था ऊपर से ताकि ये साउंड जो पूरे शहर में फैले और लोगों को उसका आभास हो कि क्या इवेंट चल रहा है। जैसे कि बच्चा का कोई बर्थडे होगा, शादी होगा, मैरिज पार्टी होगी, तो सुबह से शाम तक म्यूजिक बजता था। जब कभी बादशाह आएगा तो वेलकम होता था उसका म्यूजिक से, और नमाज के लिए लोगों को इंटीमेट किया जाता था। प्लस जब भी दीवाने आम में कोई जनता दरबार लगेगा तो उसका भी इन लोगों को पहले इंफॉर्मेशन दिया जाता था। ये पूरा रिस्टोर किया हुआ इसलिए सारी पेंटिंग्स नई है, बट इसके अंदर आप अभी भी पेंटिंग्स देख सकते हैं। और एक यहाँ पे एक खूबसूरत सा इंस्क्रिप्शन है जो कि अरेबिक में लिखा हुआ है। बेसिकली ये इंस्क्रिप्शन वहाँ पे हुआ करता था कुतुब मीनार में, और इसको यहाँ पे लाके फिक्स करवाया है जैसे लाइक अ सुवनीर। तो ये इल्तुतमिश से एसोसिएट करता है जी। तो इसमें कुरान की आयतें हैं अंदर की साइड में, बाहर की साइड में सुल्तान इल्तुतमिश के प्रशंसा में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे अरेबिक में जी। और ये लाहौरी गेट के ऊपर झंडा आप देख रहे हैं, ये हमेशा झंडा आपको दिन भर दिखाई देगा सुबह से शाम तक जी। तो सुबह और शाम तक इसको चढ़ाया जाता है, वापस शाम को सीआईएसएफ वाले जो जवान उतार लेते हैं। और यहाँ पे कुछ मुरल्स है जो कि पुरानी पेंटिंग्स है। थोड़ा सा हटना भाई, थोड़ा सा एक बार वीडियो ले लेंगे। ये प्रेस को जो मुरल्स है जो कि दीवार पे की गई है, ये नेचुरल या ऑर्गेनिक कलर से की हुई है, पुरानी पेंटिंग्स है। बाकी इसको बहुत बार रिस्टोर किया, रिफर्बिश किया हुआ है, तो इसलिए आपको पुरानी पेंटिंग के पैसेज दिख रहे हैं लेकिन पुरानी पेंटिंग रियल में दिखाई नहीं दे रही जी। और ये पैटर्न एक्चुअली में इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर हमेशा ये फ्लोरल मोटिव्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स काम में लेते हैं। ये नौबत खाने का इंटीरियर है जी। और इसके अंदर ये बहुत सारे लेयर्स है, तो आप पुरानी लेयर्स देख सकते हैं। लोग इनको टच कर करके निकाल देते हैं, बट अभी भी कुछ फूल पत्ती का डिजाइन जो है अभी भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व है जी। ये सारा पैटर्न्स है जो आपको ताजमहल और लाल किले में दिखाई देगा, जैसे कि फूल पत्ती के डिजाइन से, पॉपी फ्लावर्स है, और ये डायमंड शेप डिजाइन से यहाँ पे मेहराब के अंदर। ये जो कीस्टोन आप दिख रहा है जैसे कि स्टार ऑफ डेविड टाइप का, ये कीस्टोन एक्चुअली में इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको लॉक करने के लिए लगाया हुआ जी। ऐसा कहा जाता था कि ये पीछे का पोर्शन पहले गोल्ड एंड सिल्वर में पेंट किया गया था, जिसको बाद में ब्रिटिश लोग निकाल कर ले गए। तो पूरा का पूरा ये पोर्शन जो है गोल्ड एंड सिल्वर से पेंट किया हुआ था। ऊपर वाली जो पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाली जो मोटिव्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी राइट नाउ यहाँ पे म्यूजियम का ऑफिस है, और पहले कुछ साल पहले यहाँ पे एक म्यूजियम हुआ करता था। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली का जो लाल किला है ना, इसमें बेशुमार खजाना छुपा हुआ था, लेकिन जब हमारे भारत देश पर अंग्रेजों का शासन था ना, तो अंग्रेजों ने सारा का सारा खजाना लूट कर अपने देश में ले गए थे। दोस्तों सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसे नौबत खाना या नकार खाना बोला जाता है। और इस बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में जो मुगल बादशाह थे ना शाहजहाँ, उनका ना जन्मदिन इसी बिल्डिंग में मनाया जाता था। बहादुर शाह जफर ने जब सोल्जर्स का साथ दिया तो अंग्रेज इससे नाराज हो गए, और अंग्रेज उन्हें लाल किले को अपने कब्जे में कर लिया अटैक करके। अटैक करने के बाद में उन लोगों ने 1857 के बाद में 1857 टू 1862 के बीच में 1857 टू 1862 के बीच में इन लोगों ने बहुत सारे बैरक्स ऐड किए। और ये सारे बैरक्स है जो कि करीब 15-16 बैरक्स है जो कि यहाँ पे ऐड किए गए हैं। और ये बैरक्स एक्चुअली में सोल्जर्स बैरक्स है, और 1947 आज़ादी तक यहाँ पे इंग्लिश आर्मी रही। आज़ादी के बाद में हमारा इंडियन आर्मी यहाँ पे रहा। इंडियन आर्मी इन्हीं बैरक्स के अंदर 2003 तक था, और 2007 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। लाल किले के एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं तो 121 एकड़ है, 121 एकड़ तो ये सबसे बड़ा फोर्ट है। और ये पीछे की साइड में जो दीवार देख रहे हैं तो इस पर ये वॉकवे है, सो सोल्जर्स कुड डू दी पेट्रोलिंग, क्योंकि दिन रात उनको पेट्रोलिंग सेफ्टी की वजह से पेट्रोलिंग करना होता था, इसके लिए उन लोगों ने वॉकवे बनाया हुआ है। दो लेवल है, अपर लेवल एंड मिडिल लेवल।
ये अभी राइट नाउ डालमिया ग्रुप के पास में है ये बैरक्स जी। यहाँ से ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं लाइट एंड साउंड शो को। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, अच्छा इसमें डेली कैफे हाइट, इसके अंदर एक सुवनीर शॉप है और एक लाल किले का एक वर्चुअल म्यूजियम इन लोगों ने बनाया हुआ है जी। तो इस बैरक के अंदर वो है, सेकंड वाली बैरक के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी के 3 सोल्जर्स का जो है जी ट्रायल कोर्ट हुआ था और उनका नाम था पीके सहगल, डीएस डिलन एंड शाहनाज खान। इवेंचुअली क्या हुआ कि 1946 हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ पे थे, आज़ादी के आसपास थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ने उनको रिलीज कर दिया बगैर किसी चार्ज के। पंडित नेहरू, भूलाभाई देसाई, मोतीलाल नेहरू ने उनका पैरवी किया था जी। इस रोड का जो ये रोड है डायरेक्टली ये दिल्ली गेट को जाता है। दिल्ली गेट एक्चुअली में प्राइवेट एंट्रेंस, तो हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते वहाँ पे जी। हम लोग राइट नाउ दिल्ली गेट से करीब 300-350 मीटर दूर हैं जी। इस साइड में जाएंगे तो एक किला है सलीमगढ़ फोर्ट, ये एक्सेसिबल नहीं है। सलीमगढ़ फोर्ट एक्चुअली में लाल किले से पहले बनाया था, ऐसा कहा जाता है कि सलीम सासूर ने बनाया था जी। और सलीमगढ़ फोर्ट में अभी कुछ नहीं है, वहाँ पे अंग्रेजों ने अपने प्रिजन बना दिया था फ्रीडम फाइटर्स के लिए जी। और आजकल वहाँ पे टूरिस्ट के लिए एंट्री नहीं है। एक यहाँ पे स्टेप वेल है बावली जी। बावली एक्चुअली में स्टेप वेल है, एल शेप में बनी हुई स्टेप वेल है और ये एक्चुअली में वाटर रिसोर्स है था उस जमाने का जी। तो ड्रिंकिंग वाटर या पीने का पानी वहाँ से लिया जाता था, क्योंकि जो भी फोर्ट एंड फोर्ट्रेसेस रहेंगे उनमें सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसमें रहने वाली जो पब्लिक है वो कैसे सर्वाइव करेगी। सपोज करो किसी ने इसको सीज कर लिया, इसको घेराबंदी कर ली जी, तो वो सर्वाइवल के लिए उनको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता था, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कुएं और बावड़ी बनी हुई है।